ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बार तो सबको आदर प्रणाम यहाँ पे, कि सबसे दर्दनाक खबर सुबह सुबह मुझे मिली है। मेरे बड़े भाई, मेरे एक पिता का दर्जा मैं उन्हें देता था, बहुत प्यार बहुत इज्जत उनकी मैं हमेशा से ही करता था। मेरा मानना है कि एक ऐसे अव्वल नंबर के आर्टिस्ट थे नितिन सर, जो सिर्फ आर्टिस्ट्री ही नहीं बल्कि लोगों को भी पहचानते थे और अपनापन महसूस करवाते लोगों में। मैंने उनके साथ बहुत सारा काम किया है, बड़ी बड़ी फिल्में की हैं उनके साथ हमारा। मैंने ND स्टूडियो में उनके साथ करीबन 2 महीने तो जेल फिल्म, जो मधुर भंडारकर जी की फिल्म थी, उस पर बिताए। फिर उसके बाद मैंने हिंदू सरकार फिल्म उनके साथ ND स्टूडियो में की है। फिर प्रेम रतन धन पायो का इतना लैविश सेट, जिस बड़े पैमाने पे उन्होंने तो पूरी फिल्म जिस खूबी से की, हम सब उनके काम की इतनी हम आज तक हम तारीफ़ करते हैं और करते रहेंगे। ही इज़ अ लेजेंड, ही ऑलवेज बी अ लेजेंड। आई एम रियली अपसेट ऑन द वे एंड वेरी सैड टू हियर द वे ही इज़ गॉन। यू नो, ही इज़ गोइंग टू लीव अ लॉट ऑफ मेमोरीज। एंड मेरा ये मानना है कि करोड़ों जो हैं फैंस नितिन सर के, वो आज बहुत बहुत उदास होंगे। जी अगर मैं मेमोरी की बात करूँ, कोई ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहते होंगे? नितिन सर के साथ सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छी मेमोरीज ही हमेशा रही हैं। मैं ज़रूर ये आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि क्योंकि मैंने जेल की है प्रेम रतन धन पायो, और इतने महीनों तक हमने साथ यू नो वहाँ पे समय बिताया है। मेरा ये मानना है, जब इनफैक्ट मेरा जब पहला एड मैं डायरेक्ट कर रहा था, मैं उनके पास ही गया और मैंने उनसे कहा था कि सर मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी मदद करें। उन्होंने कहा मैं ना मदद करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये आज के इंडस्ट्री में, आज के जनरेशन में, आज के टाइम में ऐसा बहुत कम देखने को और महसूस करने को हमें मिलता है। नितिन सर जैसे इंसान जो थे वो बहुत कम पैदा होते हैं, और मेरा पूरे परिवार के साथ इस समय मेरा मन जुड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान उन्हें सबको बहुत शक्ति दें। मैं जाके ज़रूर मिलना चाहूँगा उन सब से।